सारी प्रिपरेशन हो गई है एंड आज मैं आपको मेरी फेवरेट डिश एंड सबकी शायद चिकन सबको पसंद है बहुत इजी एंड सिंपल वे में बताऊंगी कैसे बना रही हूँ मैं स्वीटी स्टाइल चिकन झोल। इसका नाम चिकन झोल इसीलिए है क्योंकि ये कोई प्रॉपर मैं बोल नहीं सकती कि मटन झोल या चिकन झोल वैसी रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत सारे झोल झाल है जो मैंने खुद ही किए है। एंड इसकी खासियत ये है कि बनाते वक्त आपको मैं ये भी बताऊंगी अगर आपके घर में वो मटेरियल नहीं है अवेलेबल तो आप उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि हाँ ये चाहिए इंग्रेडिएंट तो उसी से चिकन बनेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखिए ये पूरा वीडियो कैसे बनाती हूँ मैं चिकन झोल। तो मैंने ले लिया है ये मिक्सी, तो आप अपना कोई भी मिक्सी ले सकते हो। ऑफकोर्स मैं बोलने ही वाली हूँ कि जो भी आपके पास है वही रखना, तो मिक्सी का कोई भी बर्तन ले सकते हो। ये मैंने जूसर का लिया क्योंकि मेरा मिक्सी ख़राब हो गया है, सो सैड। तो इसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए जो आपके घर में आराम से अवेलेबल होंगे, लहसुन, अदरक, मिर्ची एंड ये धनिया। ओके, धनिया मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि ये ग्रीन कलर की पेस्ट बनने वाली है फॉर मैरिनेशन। तो इसमें चार मिर्ची लिए हैं मैंने एंड गार्लिक एंड जिंजर का ये ऐसे टुकड़ा लिया है एंड धनिया। इसको मैं डालूंगी मैं मिक्सर में। तो ये हम बना रहे हैं 500 ग्राम मतलब आधा किलो चिकन के लिए। ओके, एंड इस पे फिर मैं डालूंगी 50 to 60 ग्राम्स ऑफ दही, कर्ड, योगर्ट। ओके, इस तरह से। एंड फिर हम इसका बनाएंगे पेस्ट। तो ये हमारी पेस्ट रेडी हो चुकी है और इसी कंसिस्टेंसी में आपको ये पेस्ट बनानी है जैसे कि ये जूस की तरह दिखनी चाहिए और इसी कलर में आएगी ये। अगर आपके पास कर्ड नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हो एज अ ऑप्शन, लेकिन मेरे पास था तो मैंने ऐड कर लिया है। और बाकी जो मसाले थे या फिर दो धनिया एंड जिंजर गार्लिक आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो अभी हम लोग करेंगे चिकन मैरिनेट। और जैसे मैंने आपको बोला दिस इज़ फॉर 500 ग्राम्स ऑफ चिकन, विच मीन्स कि आधा किलो चिकन के लिए ये मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैं पहले डालूंगी ये चटनी, आप सीक्वेंस कोई भी रख सकते हो लेकिन मैं डालूँगी पहले ये ग्रीन कलर का पेस्ट जो अभी हमने बनाया। तो सिमिलरली अगर आप 1 kg के लिए बना रहे हो सारे इंग्रेडिएंट्स को आप डबल कर देना बस और कुछ नहीं, इजी वीजी। और कोई झोल नहीं अभी तक इसमें, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला मुझे तो झोल झाल हो जाएगा, बट ये इजी रेसिपी है। अगर आप बैचलर हो या फिर स्टार्ट करो चिकन सिंपल बनाना तो आप इजीली इसको बना सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे आपको मिलेंगे, कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है। अभी मैं इसमें डालूंगी ये गरम मसाला है, एक चिकन मसाला। आपके पास कोई भी गरम मसाला हो, मीट मसाला, वो आप डाल सकते हो, मतलब यू हैव ऑप्शंस। ओके, देन ये लाल मिर्च मसाला है लेकिन ये कलर वाला है, शिमला मिर्च वाला। ऑनेस्टली इसमें कोई भी आपको तीखापन नहीं आएगा, दिस इज ओनली फॉर कलर। एंड ये फिर है धनिया पाउडर, ओके, विच इज ईजिली रेडीली अवेलेबल घर में। एंड फिर हम लोग थोड़ा डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक और ये लाल मिर्ची। तो मैंने ये हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर लिया है, मैं इसमें ऐड करूँगी। देन इसमें मैंने लिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिर्ची ऐड किया इसीलिए मैं 1 स्पून ही लूँगी ये मिर्ची पाउडर जिसमें तीखापन आता है। ओके, एंड देन दिस इज धनिया पाउडर, दिस इज 1.5 स्पून, ये सेम स्पून लिया है मैंने। ओके, 1 टेबल स्पून नॉर्मल। एंड दिस इज शिमला मिर्च and this is garam masala, so I've added everything easily, जो भी घर में था उसी से। एंड फिर इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से एंड 1 आवर तक रख देंगे फॉर मैरिनेशन। अभी मिक्स करके दिखाती हूँ आपको। सो आफ्टर एडिंग एवरी थिंग मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यही एक मोटिवेशन है हमारे लिए आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोज आपके लिए बना सकूँ मैं। देखो आज तो ग्लव्स भी डाला है, वैसे तो हमेशा नहीं डालती लेकिन कभी कभी ना मेरे हाथ को बहुत ऐसे तिक्खा तिक्खा फील होने लगता है अगर ग्लव्स ना डालूँ क्योंकि मिर्ची लग जाती है, इसीलिए मैंने ग्लव्स भी डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप
क्लव्स डालना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हो, और इसी तरह से आपको अच्छे से मिक्स करना है। और देखो अभी से कितना अच्छा कलर आया है इसमें, तो सोचना आगे एंड में जब बन जाएगा तो कितना अच्छा टेस्ट आएगा, है ना, अपना झोल चिकन का। तो इस तरह से आपको ये मिक्स करना है अच्छे से, और फिर टाइम है तो 1 घंटा रख देना, जैसे अभी मैं रख दूंगी 1 घंटे के लिए, नहीं है तो 30 मिनट्स भी रख सकते हो, क्योंकि चिकन वैसे भी जल्दी से बन जाता है, मटन की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से आपको करना है मिक्स। 1 घंटे के बाद चिकन मैरिनेट हो चुका है। जैसे मैंने बोला था, आप कितने भी टाइम रख सकते हो चिकन मैरिनेशन के लिए, जितना टाइम आप चिकन रखोगे उतने टाइम वो अच्छे से पकता है, थोड़ा सा जूसी भी बनता है, एंड मसाले अच्छे से उसमें मिक्स होते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैंने कुकर ले लिया है, आप कोई भी साइज़ का अपना कुकर ले सकते हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं 500 ग्राम ही आज के दिन चिकन बनाने वाले, तो मैंने इस साइज़ का कुकर ले लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, आप 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, मैंने कितना काफ़ी होगा, यस, क्योंकि ये बर्तन थोड़ा सा इसे स्प्रेडेड है, इसीलिए आपको ऑयल कम लग रहा होगा, लेकिन ऑयल की क्वांटिटी सही है, इतना ऑयल इसमें जाना चाहिए। एंड ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गर्म मसाले। तो जब तक ये ऑयल गर्म होता है, मैंने ये मीडियम फ्लेम पे रखा है, तब तक मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। मसाले में हम मैंने लिया है तेज़पत्ता, एक दालचीनी, और फिर एक इलायची लिया है, कहाँ पे गया वो, इलायची, सॉरी, देन दालचीनी, इलायची, और फिर ये काली मिर्च एंड लौंग लिया है। इसमें और एक इंग्रेडिएंट है तेज़पत्ता, जो मैं बाद में डालूंगी आफ्टर अनियंस। तो अनियंस आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कभी कभी क्या होता है, ये मैंने 1.5 अनियन लिया है, एक छोटा और एक बड़ा, एक बड़ा अनियन भी ले सकते हो या फिर 2 बड़े अनियन भी ले सकते हो, और ज़्यादा छोटा नहीं करना, इसी साइज़ में आपको इसको चॉप करना है। तो जब आप ज़्यादा अनियन लेते हो, मतलब ये मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादा अनियन लेते हैं, लाइक 3 से 4 अनियन बड़े बड़े, तो उससे ना स्वीटनेस आ जाती है चिकन में, और चिकन स्पाइसी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। बटर चिकन बनाते हो वो अलग बात है, थोड़ा सा स्वीटनेस आता है, लेकिन मसाले ठीक से लगे और अनियन ज़्यादा ना पड़े इसका आप ख्याल रखिएगा। तो आप 2 मीडियम साइज़ के या 2 छोटे अनियन ले सकते हो, या फिर 1 बड़ा, या फिर 1 मीडियम साइज़ का एक छोटा अनियन भी ले सकते हो, अनियन कांदा मीन्स प्याज। तो मेरा यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, नाउ आई एम गोना ऐड क्या, तो करी लीव्स, बिकॉज आई लव द स्मेल ऑफ करी लीव्स। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। फिर मैं इसमें डालूंगी सारे के सारे हमने जो गरम मसाले इकट्ठे किए वो, एंड इसको स्टर करेंगे। सो तेल में जब तक गरम मसाले की वो खुशबू मिक्स ना हो, तब तक आप रख सकते हो 1 मिनट, 1.5 मिनट्स बस। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये कटा हुआ अनियन जो मैं आपको दिखाया था, और इसको स्टर करूँगी। तो इसे गोल्डन होने तक ही रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, ब्राउन कभी नहीं होता अनियन, तो थोड़ा सा गोल्डन होने तक ही। अनियंस मेरे अभी थोड़े से गोल्डन हो रहे हैं, तो इसमें मीनवाइल मैं डालूंगी ये जायफल। तो जायफल कैसे हमको पीस के डालना है, तो इसे मैं पीसूंगी और फिर डालूंगी थोड़ा सा ही, इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस इसी के लिए जायफल, या फिर जिसे हम नटमेग बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग ऐड करेंगे स्टेज पे। इसमें अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा सा आप गरम मसाला या फिर मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी मैंने मैरिनेशन में ऐड किया है इसीलिए मैं नहीं ऐड करूँगी। बट अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप ये स्टेज पे थोड़ा सा मसाला ऐड कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा, लाइक क्योंकि मैरिनेशन में ऑलरेडी हमने यूज़ किया और वो हरी वाली चटनी में भी मिर्ची थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा इसमें अभी स्वादानुसार नमक डाल दो, बाद में नमक ऐड कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने अभी इसमें पिंक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हो, एंड थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है। अभी थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, क्योंकि मैरिनेशन के टाइम पे मैंने कम लिया था हल्दी पाउडर, है ना, तो इसीलिए
एंड देन आई एम गोना ऐड दिस चिकन. इसको थोड़ा स्टर कर लेती हूँ लाइक दिस. सी द कलर. ओप्स. और एक बात, जब भी आप मसाले डालो तभी ना गैस स्लो होना चाहिए, नहीं तो फिर मसाले अगर हम लोग तेज़ आंच पे उसको पकाएं ना तो एसिडिटी हो सकती है खाने के बाद. तो इसीलिए मतलब हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं हो आपको, लेकिन इसीलिए मसाले कभी भी आप अगर आंच बहुत ज़्यादा फास्ट है तो उस पर मत डालिएगा, स्लो पे ही डालिए और फिर उसको स्टर कीजिए. और जैसे आपके मसाले थोड़ा से सेपरेट होने लगे, आपको लगे कि अलग अलग हो रहे हैं वो कलर, तो उसके बाद आपको ये डालना है चिकन जो मैंने मैरिनेटेड किया हुआ है. सो अभी इस स्टेज पे जब पूरी तरह से मसाले मुझे लग रहा है मिक्स हो गए हैं, गरम मसाले भी अपने खड़े मसाले जो हमने डाले थे वो भी, उनकी भी स्मेल आने लगी और इस तरह से आपको बबल्स दिखने लगेंगे, आपको ऐड करना है उसमें चिकन. तो सारा चिकन मैं ऐड कर देती हूँ अभी. तो इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है सारा के सारा. उसके बाद मैं इसको स्टर करूँगी थोड़ा सा ही, पूरा नहीं, बस स्टर करना है और 10 मिनट वैसे ही रख देना है, ढक के कुकर नहीं लगाना है, सिर्फ ऐसे कोई भी प्लेट रख के आप इसको 10 मिनट सब मसाले लगने दो, सिर्फ इसको बाद में पकाना है. वो कब मैं आपको बताती हूँ, अभी सिर्फ आपको प्लेट ढकी रखनी और कुछ नहीं. चिकन मैंने डाल दिया है अभी धीमी आंच पे, सिर्फ 5 से 10 मिनट सिर्फ हीट आने के लिए, वो मसाले का स्मेल इसमें जाने के लिए सिर्फ ऐसे ही रख दे रही हूँ प्लेट ढक के, सिर्फ 5 से 10 मिनट. ओके, सो अपने 10 मिनट हो गए हैं पूरे. अभी मैं ये प्लेट हटाती हूँ. तो चिकन ना अभी थोड़ा सा गल गया, देखो थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है ऑलरेडी, एंड ये ऑयल भी तरी जैसा, और अभी से इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है. इसके बाद है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 5 से 10 मिनट. हमें क्या करना है ना, ये चिकन को स्टर करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स और इसे और 2-3 मिनट पकाना है. ओके, सो इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको ये स्टर करना है, बिकॉज उसी से ना जितना आप ज़्यादा स्टर करोगे, जितना ज़्यादा मिलाओगे उतनी अच्छी टेस्ट आएगी इसमें, और अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. तो आई डू दैट द स्टरिंग पार्ट, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाती हूँ. आहा, ये खुशबू लाइक ढाबे वाली जो स्मेल होती है, या फिर आप अगर होटल में भी अच्छा सा चिकन ऑर्डर करते हो, कोई भी स्पाइसी वाले डिशेस, उसकी जो स्मेल है यार, ये मसाले इतने अच्छे से मिले हैं. ये मैंने स्टर कर लिया इसे, एंड इसमें झोल क्या था कि करी लीव्स मैंने डाले जो नहीं पड़ते, लेकिन मैंने डाला, अनियन भी कम डाला है, फिर भी देखो कितने अच्छे से मिक्स हुआ है वो. तो ये मेरे झोले छोटे छोटे, एंड ये स्मेल जो मैं ले रही हूँ ना, ये मेरा ऑथेंटिकेशन है, लेकिन पहले मैं स्मेल लूँगी उसके बाद खाऊँगी, क्योंकि दिखने से और स्मेल से ही हम लोग पहले खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं और रोटी के साथ अच्छे से खाते हैं, राइट. तो अभी क्योंकि ये हमारा चिकन झोल है मेरी स्टाइल में, इसमें पानी डलेगा. तो अगर आप नॉर्मली बना रहे हो इसमें 1/2 लीटर के करीब आप पानी डालना, लेकिन अगर आपको कम पानी चाहिए, जैसे आज मैं कम पानी वाला बनाने वाली हूँ जिसमें ज़्यादा मतलब क्या बोलते ग्रेवी नहीं रहेगा, या फिर ज़्यादा रसा नहीं रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, वो वाला बना रहे जिसमें थिक आएगा, तो थिक में फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से आते हैं और ज़्यादा टेस्ट बढ़ता है. और अगर आप थिन भी डालते हो उसमें आप चावल के साथ डायरेक्टली खा सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 1-2 सब्जियां और पड़ी है, इसीलिए मैं नहीं ज़्यादा इसमें पानी ऐड करूँगी. इसमें मैं थोड़ा कम ऐड करूँगी, जैसे 250 ml के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी. और ये वाला जो पानी है मैंने ऑलरेडी ये मिक्सी में जो मसाला था हमारा इंडियन स्टाइल यार, मतलब झोल जुगाड़ तो हमारे नस नस में बसे हुए हैं. तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, जिसमें मैंने मैरिनेट किया है या जिसमें मिक्सी में मैंने मसाले लगाए थे उसी में पानी ऐड करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी. पानी ऐड करते वक्त नहीं दिखाया, लेकिन ये सेम पानी मैंने ऐड किया था, क्योंकि एक हाथ से शूट कर रहे हो आपके लिए छुट्टी के दिन, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना. तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा. और कुछ ही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि पसंद है आपके साथ सब शेयर करना. अभी इसमें मैं
कुछ नहीं डालूंगी, दिस इज डन। लाइक अभी 4 to 5 सीटी के बाद, लाइक 3.5 सीटी भी दोगे ना, 3 सीटी के बाद भी बंद कर सकते हो आप, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है चिकन। तो इसको हम रखेंगे कुकर का ढक्कन लगा के फॉर 3.5 to 5 सीटी तक या 3 सीटी तक, दैट्स इट। नाउ आवर चिकन झोल इन माई स्टाइल इज रेडी। एंड अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, यस द मेन थिंग, माय फेवरेट पार्ट, यस लुक एट द कलर एंड इसका फ्लेवर एंड स्मेल। आहा, इसको आप चपाती, पराठे, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। एंड ये मेरा रेडी हो चुका है, कलर देखो, तरी देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर अच्छा लगे तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है और शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना।